आज की वीडियो में हमारे पास एक नहीं दो दो होम थिएटर हैं दोस्तों। एक है बड़ा वाला होम थिएटर और एक है दोस्तों ये छोटा वाला होम थिएटर। इन दोनों को एक साथ अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करेंगे। तो आज मैं आपको ये पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से दो होम थिएटर को आप एक ही कंप्यूटर से चला सकते हैं। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। दोनों होम थिएटर को कंप्यूटर के साथ एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमें दो ऑक्स केबल चाहिए। आपके पास नहीं है तो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसे परचेज कर लेना। कनेक्शन करने के लिए आपको जाना है अपने दोनों होम थिएटर्स के बैक पैनल पर। तो फटाफट चलते हैं दोनों के बैक पैनल। हमारा बड़ा वाला टॉवर यानी कि बड़ा वाला होम थिएटर, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऑक्स केबल का दूसरा सिरा है जिसमें ऑडियो वाले पोर्ट्स दे रखे हैं, इस ऑडियो वाले पोर्ट्स को आपको यहां पर लगा लेना है। तो यहां पर हमने इसे लगा लिया, तो ये हमारी एक ऑक्स केबल हो गई इस तरह की। और इसका जो आगे वाला सिरा है वो 3.5 mm का जैक है, इसको हमने यहां पर लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं छोटे वाले होम थिएटर की ओर। तो यहां पर आप देख सकते हैं छोटे वाले होम थिएटर में भी ऑडियो इनपुट यहां पर दे रखा है दोनों स्पीकर्स का। तो यहां पर भी आपको दोस्तों बाइट में बाइट और रेड में रेड पिन को यहां पर लगा लेना है। तो हमने यहां पर ये कनेक्शन कर लिया है। इनका जो 3.5 mm का दूसरा सिरा है वो यहां पर है, ये पहले होम थिएटर का और ये दूसरे होम थिएटर का। तो आप चलते हैं दोस्तों सीपीयू के बैक पैनल पर और मॉनिटर के बैक पैनल। हमारा मॉनिटर का बैक पैनल और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक तो HDMI का सॉकेट दिया है और इसी के बगल में एक छोटा सा 3.5 mm का सॉकेट भी यहां पर दे रखा है। तो इसमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको एक होम थिएटर को कनेक्ट कर देना है। तो यहां पर हमने एक होम थिएटर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर जो 3.5 mm जैक की दूसरी पिन है इसे आपको सीपीयू में कनेक्शन करने है। चलते हैं दोस्तों सीपीयू के बैक पैनल पर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि तीन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दे रखे हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, ये जो बीच वाला सॉकेट है 3.5 mm का जैक का, यहां पर इसे लगा देना है। तो फाइनली दोस्तों हमारे दोनों होम थिएटर यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो बड़ा वाला होम थिएटर है इसमें दोस्तों मोड का ऑप्शन दे रखा है, इस मोड के ऑप्शन में आपको यहां पर सेट कर लेना है ऑक्स वाला। फाइनली हमारे होम थिएटर जो है यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब देर है तो सिर्फ सॉन्ग को प्ले कर देगी। तो मैं यहां पर आपको सॉन्ग को प्ले करके दिखाता हूं। हमने एक सॉन्ग को यहां पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो गया। अभी हमारे जो दोनों होम थिएटर हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड हैं और दोनों में वॉइस आ रही है। अभी मैंने वॉइस को थोड़ा कम कर रखा है, तो आप चाहें तो वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों होम थिएटर हमारे एक ही हमारा कंप्यूटर है इसी से कनेक्टेड हैं और एक साथ दोनों चल रहे हैं एक ही टाइम पर। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। इस तरीके से आपको सारे कनेक्शन करने होते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी अगर मन में क्वायरी हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।